संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट चखराना, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानु राजकुमार यादव। बहरोड में अच्छी लोकेशन के साथ विकास प्रॉपर्टीज, आप बनाने जा रहे हैं अपने सपनों का घर या लेना चाहते हैं दुकान या प्लाट, तो आज ही संपर्क करें विकास नंबरदार मुन्ना पार्षद, वार्ड नंबर 11, नगर पालिका बहरोड। गंगा क्लॉथ एम्पोरियम बहरोड का एकमात्र उचित रेट वाला विश्वसनीय शोरूम। लहंगा चुन्नी, फैंसी साड़ियाँ, डिजाइनर सूट, फ्रॉक सूट, क्रॉप टॉप, कुर्ती, लेगी, दुपट्टा, कोट पैंट, फैब्रिक्स के अलावा सियाराम, रेमंड, विमल की शूटिंग शर्टिंग सभी एक छत के नीचे। पैसा नहीं, विश्वास ही हमारी कमाई। गंगा क्लॉथ एम्पोरियम, नया बस स्टैंड बहरोड, प्रोप्राइटर ब्रज किशोर शर्मा जागवास वाले। नमस्कार, मैं हूँ हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं रा24। लॉकडाउन से पहले जहां पताशा बनाने वाली भट्टियों से अंगारे निकलते थे, वहीं अब कोरोना से नहीं पुलिस के भय से छुपे हुए लोग निकल रहे हैं। यह वाकया तब हुआ जब बहरोड SHO विनोद सांखला पूरे अमले के साथ शहर में व्यवस्था का जायजा लेने निकले। पताशा मार्केट में बेवजह घूमते हुए लोग मिले तो वो वहाँ ठहरे तो देखा कि कुछ लोग ठंडी पड़ी भट्टियों में छुपे हुए हैं। यह देखकर लोगों को हंसी भी आ रही थी। वहीं विनोद सांखला ने शहर में अनेक जगह बाइक पर घूम रहे लोगों का चालान भी काटा और बहुत से लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भी भेजा। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर से अब भी बहरोड में बहुत से लोग बेपरवाह घूम रहे हैं। राज्य सरकार ने 3 तारीख से रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया है। इसके तहत ये है कि क्योंकि आज जिस तरीके से कोरोना भयंकर तरीके से फैल रहा उसको रोकने के लिए न केवल सरकार बल्कि हमारे SP साहब, हमारे कलेक्टर साहब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस बात के लिए कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रोड पर नहीं घूमे। इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए हम भी यहाँ दिन रात बहरोड कस्बे में लग रहे कि बेड हॉस्पिटल में नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था प्रॉपर अभी आपको देख रहे आपूर्ति हो नहीं पा रही। तो इस पर देखते हुए हम लोग इतनी जान रोक के मैं अपनी भी डाल करके ये रोकना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति बेवजह नहीं घूमे। इसके लिए हमने प्लान तैयार किया है कि हम जगह जगह नाके लगा रखे। कोई लोग यदि अगर आते हैं तो उनको अगर बेवजह घूमते हैं तो हम क्वारंटाइन सेंटर छोड़ दें, और क्वारंटाइन सेंटर पर छोड़ने के बाद उनकी जब तक RT-PCR चेक नहीं हो जाती है तब उसके बाद ही हम छोड़ दें। ज़्यादा से ज़्यादा चालान भी बना रहे जिससे कि ये लोग बेवजह रोड पर नहीं घूमें। सर देखिए, मैं दुकानदारों को यही बताना चाहूँगा कि ये जिस तरीके से बीमारी फैल रही है, हो सकता है कि आपके छोटे से लाभ के कारण आप इस बीमारी को अपने परिवार तक ले जाएं, तो वो छोटा सा लाभ एक बहुत बड़ा आपके लिए संकट बन जाए। तो मैं उन लोगों से सबसे अनुरोध यही करूँगा कि आप राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना करें और हमारा पुलिस का और प्रशासन का सहयोग करें। देखिए, रिस्क लेना ये हमारी तो खैर देखो, सरकार जो मंशा रखती है उसको हमारा पालन करना तो हमारी प्रथम ड्यूटी हो ही जाती है। साथ ही साथ एक दूसरे लोगों का जान बचाना एक ये भी मोटिव है। तो हो सकता है हमारे बचाने से और हम अगर कभी मार्केट में जाते हैं तो लोगों में ये विश्वास पैदा होता कि जब पुलिस इस तरीके से कर रही है तो हमको बचना चाहिए। तो ये एक सिंबल के तौर पर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जा करके मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस बीमारी के बारे में समझें। संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना ने उप जिला अस्पताल बहरोड के कोरोना वार्ड में लगभग 2.5 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन पाइपलाइन डालने का कार्य पूर्ण करवाया, जिससे मरीजों को वेंटिलेटर व सभी बेडों पर ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इसके बिना ऑक्सीजन होने के बावजूद सभी मरीजों तक सुचारू तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही थी। उप जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश यादव ने बताया कि हमने राजकुमार यादव IRS व संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव डॉक्टर शानु राजकुमार यादव को इससे अवगत करवाया था तथा प्रथम बार में ही उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार कर लिया व तुरंत प्रभाव से संपूर्ण वार्ड में ऑक्सीजन पाइपलाइन की व्यवस्था करवाई। इस सब कार्य के लिए उप जिला अस्पताल बहरोड पूरे स्टाफ ने संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट को बधाई भी दी। मुंडावर उपखंड मुख्यालय पर पुलिस प्रशासन द्वारा SDM राम सिंह राजावत के नेतृत्व में मंगलवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान उन्होंने चेताया
कि इस समय कोरोना महामारी की दूसरी लहर भयंकर है, इसमें सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। यह कार्य केवल पुलिस व प्रशासन का नहीं, इसमें आम जनता का सहयोग भी बहुत जरूरी है। थाना अधिकारी लक्ष्मीकांत शर्मा ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और मुंह पर मास्क लगाकर घर से निकलने की भी हिदायत दी। बताइए, राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना में आज मुंडावर पुलिस के द्वारा 5 लोगों को संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया है। ये लोग बिना वजह से, बिना किसी कार्य से बाजार में घूमते हुए पाए गए थे। यह छात्रावास में इनको रखा गया है और यहाँ पर इनके सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। विकास अधिकारी मुंडावर जो है छात्रावास के लिए प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं। कितने दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा, क्या आगे की क्या व्यवस्था रहेगी इनकी? राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इनका RT-PCR टेस्ट करवाया जाएगा और उस टेस्ट में ये नेगेटिव आ जाते तो इन्हें फिर रिलीव कर दिया जाएगा। मुंडावर कस्बे स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी ने कोविड के संबंध में उप खंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। विधायक मंजीत चौधरी ने BCMHO से मुंडावर CSC में बनाए गए कोविड हेल्थ सेंटर के बारे में व वैक्सीनेशन के बारे में विस्तार से जानकारी ली, जिस पर BCMHO प्रवीण धान्या ने कोविड हेल्थ सेंटर पर ऑक्सीजन की कमी बताते हुए बताया कि सेंटर पर 2 बड़े सिलेंडर हैं व 3 छोटे सिलेंडर हैं और 1 बड़े सिलेंडर से ही सेंटर में 20 बेडों पर ऑक्सीजन सप्लाई होती है। ऐसे में अधिकतम मरीज आने पर स्थिति बिगड़ सकती है। वर्तमान में 1 भी संक्रमित मरीज कोविड हेल्थ सेंटर पर नहीं है। आज जो आपने बैठक ली है, इस बारे में बताइए कि कोरोना को लेकर मुंडा और उपखंड प्रशासन कितनी तैयारी कर रहे हैं और विधायक जी ने आज उनको क्या निर्देश दिए? आज उपखंड स्तर पर सभी पदाधिकारियों के साथ और सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक मैंने बैठक करी, जिसमें जो कोरोना की दूसरी वेव है इसका जो प्रभाव क्षेत्र के अंदर आ रहा है उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है और जो मरीज आ रहे हैं उनकी देखभाल कर उनको स्वस्थ कैसे किया जा सकता है, इस बारे में विस्तृत रूप में चर्चा हुई। मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूंगा कि अभी कुछ समय पूर्व इनकी मांग पर और क्षेत्र की जनता की मांग पर मैंने दोनों PHC जो मुंडावर उपखंड के अधीन आती है, CHC ततारपुर और CHC मुंडावर, दोनों CHC पर करीब करीब 7-8 रुपए के उपकरण सैंक्शन करें और जल्दी वहां पर लग जाएंगे, जिनके लगने के बाद जनता को राहत मिलेगी और आने वाले समय में जो कोरोना से मरीज पीड़ित है उनको उसका स्वास्थ्य का लाभ मिल सकेंगे। मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी और भाजपा जिला अध्यक्ष बलवान सिंह यादव ने कोविड केयर सेंटर सेंट मार्गरेट कॉलेज निमराना में निरीक्षण किया। वहां की व्यवस्थाओं को देखते हुए विधायक मंजीत चौधरी ने अपने नाराजगी व्यक्त की। भाजपा अलवर उत्तर के जिला अध्यक्ष बलवान सिंह यादव और मुंडावर विधायक मंजीत चौधरी के नेतृत्व में COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बंगाल में हो रही हिंसा के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र पर हमला, पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला पर विरोध धरना प्रदर्शन किया। इंदु हॉस्पिटल नीमराणा, डॉक्टर इंदु यादव स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक यादव पूर्व सर्जन SMS जयपुर और जाने माने डॉक्टर जितेंद्र कुमार की सेवाएं अब इंदु हॉस्पिटल में। डिजिटल एक्सरे, फार्मेसी, पैथोलैब, ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं, पित्त की थैली, अपेंडिक्स, नसबंदी, बच्चेदानी और अंडाशय का ऑपरेशन, हृदय और ब्लड प्रेशर, मधुमेह, दमा और महिलाओं के समस्त रोगों का निदान इंदु हॉस्पिटल निमराना। RPS इंटरनेशनल स्कूल सोता नाला बहरोड, जहां तराशा जाता है आपके बच्चों का बेहतर भविष्य। हार्ड वर्किंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, हार्ड वर्किंग बच्चे, हार्ड वर्किंग पेरेंट्स और ये क्षेत्र के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है कि 9 स्कूलों ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बेहतरीन सुविधाएं, अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाह रहे हैं तो सोचिए मत, फौरन चले आए RPS इंटरनेशनल। आज इतना ही, देखते रहे RAT 24। नमस्कार।